हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC एक्सपर्ट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है AC यूनिट कंट्रोल विद BMS एंड फायर अलार्म सिस्टम। एक्चुअली गाइस, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट किया था BMS पे एक्सप्लेन करने के लिए, सो मैंने उनके लिए प्रिपेयर किया है आज। गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, और बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ये वीडियो। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BMS यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का सेंट्रल अपना कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। कंप्यूटर से ऑपरेट भी किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जाता है कंप्यूटर से। बिल्डिंग में जो भी सेंट्रल अपना जो भी मतलब कह सकते हैं, AC यूनिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लिफ्ट हो गई और वेंटिलेशन फ़ैन वगैरह हो गए, और भी इलेक्ट्रिकल जो भी लाइट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, सब सेंट्रल से मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है, तो उसे BMS कहते हैं। BMS से अपना AC यूनिट भी कंट्रोल होता है, तो उस पर मैंने प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले वायरिंग स्टार्ट करते हैं। जो BMS का अपना जो ये इसमें जो पोर्शन जो दिख रहा है वायरिंग में, ये कंट्रोल पैनल रेडी किया गया है BMS से अपना FCU के लिए, या AC यूनिट कह सकते हैं, FCU के लिए मैंने बनाया है। तो पावर सप्लाई 230 वोल्टेज का जो यहाँ से होगा अपना, ये जो दिख रहा है लाइन न्यूट्रल अर्थिंग जो है, ये एक पैनल का है। यहाँ से सबसे पहले MCB पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल जो रहेगा अपना, उसके अंदर MCB डालेंगे। MCB के बाद ये लाइन आप जो देख सकते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर एक है, और साथ ही अपना इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। 24 BMS को अपना ये करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है, और एक कंट्रोल रिले। तो सबसे पहले अपना ये जो पावर सप्लाई है ट्रांसफार्मर में जाएगा, और साथ इस पर अपना रुका रहेगा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर पर। तो ट्रांसफार्मर के बाद से 24 वोल्टेज जो देगा, ये एक कंट्रोल रिले में तो डायरेक्ट चला जाएगा A1 का जो पॉइंट है, और जो दूसरा A2 का जो है ना, इसमें फ्यूज़ के थ्रू सीधा BMS का DDC पैनल होता है। DDC पैनल मतलब अपना इसका BMS का जो भी कंट्रोल होता है ना, DDC पैनल से ही होता है। DDC का मतलब होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल ही है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल। तो इसके थ्रू ही मतलब अपना डिमांड, जो भी अपना डिमांड रहेगा ना, वो DDC पैनल से अपने कंट्रोल पैनल में कम्युनिकेशन के थ्रू मतलब आएगा इधर। मतलब जो भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन DDC पैनल में होगा, उसका जो डिमांड है ना सिग्नल के थ्रू, फिर ये पैनल में आएगा, उससे फिर अपना ऑपरेशन या जो कुछ भी है इससे ऑपरेट होगा। तो ये जो फ्यूज़ के थ्रू जो अपना 24 का एक प्लस DDC पैनल में गया, यही रिटर्न जब आएगा तो ये एनालाइज्ड हो जाएगा, रिले एनालाइज्ड हो जाएगा, तो इसको ये कम्युनिकेशन पास हो जा रहा है, आगे ये अपना काम कर रहा है। ये एनालाइज्ड होने के बाद देखिए, ये अपना जो कॉमन में ये पॉइंट रुका हुआ है ना, पहले से मैंने दे रखा हुआ है इधर, ये पास हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये काम है BMS का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इनका जो वर्किंग प्रोसेस है, बस ये फायर मॉड्यूल के थ्रू रिटर्न आएगा। फायर मॉड्यूल जो है काम करेगा, इसका भी एक सेंट्रल जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं फायर से रिलेटेड, उसमें मतलब ये काम वर्क करता है। फायर अलार्म जब कभी भी कहीं भी एक्टिव हुआ अपना AC यूनिट्स के आसपास, अगर आपका इससे कनेक्टेड रहेगा, तो फायर अलार्म के साथ ये सिग्नल मतलब काम करेगा। तो ये फायर अलार्म को भी मैंने 24 वोल्ट का ही मतलब मॉड्यूल में भेज दिया है। फायर अलार्म का कॉमन पॉइंट जो रहेगा ना, वहाँ कनेक्ट होगा फायर मॉड्यूल के अंदर, और उसके अंदर से MC ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना MC का ही रिक्वायरमेंट है। MC से रिटर्न अपना देखिए यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूल से सीधा। अपना थर्मोस्टेट भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके साथ, तो थर्मोस्टेट में भी जा रहा है, और साथ ही अपना मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में जा रहे हैं। जैसे ही अभी ये आ जाएगा, ये भी अपना कंटिन्यू रहेगा। अभी कभी अगर इनकेस कहीं से फायर अगर हुआ, तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा वायर, तो ये आगे पास नहीं होगा, होने नहीं देगा। फिर ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर NO में आ जाएगा, फिर ये ब्रेक कर देगा अगर कभी भी ऐसा हुआ। तो ये अगर ये मतलब यहाँ से जो भी ये है ना, NC कंटिन्यू पास करते रहेगा। एक्चुअली मैंने NC लिया हुआ है, ये कंटिन्यू पास करते रहेगा। अगर कभी भी फायर
सिग्नल एक्टिव होता है तो ये एनओ हो जाएगा, तो ये पास नहीं करेगा, तो आगे से ये पूरा मतलब ये सिस्टम क्लोज कर देगा। तो ये फायर मॉड्यूल का ये सिस्टम है ऐसा। उसके बाद से फायर मॉड्यूल के बाद ये आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट। इसमें थर्मोस्टेट मैंने जो मेंशन किया है, एक्चुअली बीएमएस में जो है ना, अगर कॉमन प्लेस है कहीं पे थर्मोस्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है ज़्यादातर, तो अगर बीएमएस से आप ऑपरेट कंट्रोल कर रहे हैं तो थर्मोस्टेट नहीं भी डालते हैं बहुत सारे जगहों पर। और यहाँ पर मैंने दिखाया थर्मोस्टेट क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से थर्मोस्टेट से भी ऑपरेशन चाहिए, इसलिए मैंने ये दिखा रखा है। ये मॉल या कहीं कुछ होटल्स वगैरह के जो रूम्स वगैरह रहते हैं अंदर रूम से भी अपना थर्मोस्टेट से भी ऑपरेशन चाहिए रहता है, वो हिसाब से ये प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये थर्मोस्टेट का ये मॉडल हनीवेल में है, TF243 में, मतलब ये ऑप्शन मिलता है, ये BMS के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन मतलब ये थर्मोस्टेट कैसे काम करेगा, थर्मोस्टेट के अंदर जो है ना ये सारे पॉइंट दिया है, ये जो F1 F2 F3 अपना स्पीड के लिए है लोअर मोटर के लिए, और लाइन, ये लाइन जो है ना ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ब्लोअर को अपना रिले के थ्रू, मतलब ये अपना रिले के जैसा काम करेगा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट ही ऑपरेट करेगा बस। और थर्मोस्टेट के चलने के लिए 24 वोल्टेज चाहिए रहता है, तो ये R और C का पॉइंट जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के थ्रू दिया हुआ है अपना ये, और फायर अलार्म के बाद से आया हुआ ये 24 वोल्टेज, तो इससे अपना थर्मोस्टेट चलेगा। और ये RS जो है ना ये BMS के लिए मतलब यूज़ किया हुआ है इसका RS, और ये जो C से जो है इसमें दिया हुआ है रिले में, और ये अपना RS सीधा अपना रिले से RS में, जैसे ही मतलब ये जो C का जो पॉइंट है ना यहाँ से घूम के अगर रिटर्न RS में आ गया तो ये मतलब ऑफ कर देगा, ये इसको थर्मोस्टेट के अंदर सिग्नल आ जाएगा BMS की तरफ से, मतलब वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, BMS से ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्नल आपको थर्मोस्टेट में सिंबल दिखाएगा और आपका कुछ भी ऑपरेट नहीं होगा। ये कुछ इस तरह, ये थर्मोस्टेट आप जो देख रहे हैं ना ये थर्मोस्टेट है TF243 SU। इसके अलावा भी और भी दूसरे भी थर्मोस्टेट कुछ हैं, अपना T6861 भी है हनीवेल का जो 230 वोल्टेज के साथ है, तो उसमें भी ये काम, ये ऑप्शन आपको मिलता है। पर यहाँ पे मैंने ये 0 to 10 कंट्रोल मॉड्यूलेटिंग के हिसाब से दिखाया है 24 वोल्टेज में, इसलिए मैंने ये अपना ये सपोर्ट करता है इसके साथ, इसलिए ये दिखा रखा है। और मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर ये यहाँ से जो है ना ये पावर इसका प्लस माइनस 24 वोल्टेज कंटिन्यू रहेगा इधर, इसमें हमेशा चाहिए। और इसका जो मॉड्यूलेटिंग के लिए जो है ना इससे 0 to 10 यहाँ से जाएगा, अपना जो भी कूलिंग का डिमांड रहेगा ना अपना थर्मोस्टेट से यहाँ से मॉड्यूलेटिंग के लिए जाएगा, इस तरह से अपना ये वर्क करते रहेगा। गाइस अगर इनकेस आपको ये थर्मोस्टेट नहीं चाहिए, सिर्फ BMS से ऑपरेट करना है, तो वो कंडीशन में क्या होगा, अपना ये जो मैंने बना रखा है ना ये सिस्टम अपना प्लस माइनस, जैसे एक मैंने एक्सप्लेन किया था एक रिले के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, तो वैसे ही हर एक अलग अलग इंडिविजुअल अपना आपको इसके लिए भी सेपरेट रिले डालना पड़ेगा, एक्चुएटर के लिए अपना, फिर ब्लोअर के लिए, ब्लोअर मोटर के लिए सेपरेट रिले चाहिए, और साथ ही कंडेंसिंग यूनिट अगर DX है इनकेस आपके पास तो उसके लिए सेपरेट, तो अपना AC यूनिट के लिए जो जो अभी रहेगा उसके लिए सेपरेट रिले डालना रहेगा। और सेम यही सिस्टम एक प्लस माइनस रिले में कंटिन्यू आ जाएगा, और प्लस BMS में डाल देंगे, फिर BMS से जो डिमांड आएगा रिटर्न जो भी अलग अलग अपना आपको सर्किट, जैसे कंडेंसिंग यूनिट के लिए, कंप्रेसर के लिए बना सकते हैं, एक ब्लोअर मोटर के लिए बना सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो सब पूरा डिमांड फिर ये DDC पैनल के थ्रू आएगा, पर अगर वैसा करना है तो। पर यहाँ पे मैंने जो दिखाया ये थर्मोस्टेट से भी ऑपरेशन है और प्लस BMS से भी है, तो उसके हिसाब से ये डायग्राम था, कुछ इस तरह से ये पूरा डायग्राम कंप्लीट होता है अपना। तो गाइज मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी टेक्निकल आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपना एक्सप्लेन करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।